लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अनिश कुमार। सीबीएसई का एग्जाम रद्द हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स जो भी नीट और जेईई मेंस के हैं इंतजार में हैं कि क्या नीट और जेईई मेंस पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। 25 जुलाई को सीबीएसई एग्जाम रद्द हो जाने के बाद एचआरडी मिनिस्टर ने ऑफिशियली सीटेट एग्जाम्स को पोस्टपोन्ड कर दिया। इन्होंने ट्वीट किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आगे लिखा कि स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि घोषित की जाएगी और ये पोस्टपोन का 25 जून को ऑफिशियल नोटिस जारी किया। सवाल यह है कि जब जून और जुलाई मंथ में सभी एग्जाम लगभग सभी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिए गए या कैंसिल कर दिए गए, लेकिन अभी तक नीट और जेईई मेंस स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं बताया गया कि जेईई मेंस होगा या नहीं होगा, नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। सीबीएसई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स लगातार इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमारा क्या होगा, क्या नीट होगा या नहीं होगा, जेईई मेंस होगा या नहीं होगा, लेकिन इसको लेकर कहीं भी कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है। कल से सीबीएसई रद्द हो जाने के बाद लगभग हजारों स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि पढ़ाई आज नहीं हो पाया है, बहुत दिमाग टेंशन में था, क्या होगा, सभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, नीट और जेईई मेंस का सरकार कुछ नहीं बता रही है। सवाल यह है कि इस सिचुएशन में सभी एग्जाम पोस्टपोन्ड या रद्द किए जा रहे हैं, एम्स ने तो अपना सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन्ड कर दिया है, कोई एग्जाम एम्स नहीं ले रहा है, सीबीएसई ने भी सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है, एनटीए क्या कर रही है, एनटीए कोई ना कोई डिसीजन जल्द एनटीए को लेना चाहिए, इस सिचुएशन में एग्जाम तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एग्जाम होना ही था तो बाकी एग्जाम क्यों पोस्टपोन किया जा रहे हैं, रद्द क्यों किए जा रहे हैं। आज कुछ ना कुछ फैसला आने की अनुमान है, आप मेरे साथ बने रहें और आप सभी के फेवर में आएगा, मैं 99% श्योर हूं कि आप सभी के फेवर में ही आएगा, नीट पोस्टपोन्ड 99% होना चाहिए, क्योंकि सभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, अब सिर्फ बचा है एनटीए का एग्जाम। तो देखते हैं क्या होता है, हमारे साथ बने रहें, आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, कोई भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और सभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं तो ओब्वियसली नीट और जेईई मेंस भी पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।